कृषि विभाग अब हर किसी को खाद बेचने का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विभाग एक डिप्लोमा करवाएगा। यह डिप्लोमा सिर्फ बीएससी पास उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इस बारे में केंद्र ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें खाद बेचने के लिए नए लाइसेंस सिर्फ डिप्लोमा करने वाले प्रतिभागियों को देने के निर्देश दिए हैं। डिप्लोमा पूरा करने के बाद खाद बेचने का लाइसेंस जारी होगा। यह डिप्लोमा पहली बार लाइसेंस लेने वालों को करना होगा। इससे पहले कृषि विभाग इस प्रकार की कोई डिप्लोमा नहीं करवाता था। अब नए लाइसेंस लेने के लिए 52 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण करने वाले उम्मीदवारों की हर रविवार को क्लास लगेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद खाद बेचने के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 13 महीने के हर रविवार को प्रशिक्षण पूरा करने वाले को कृषि विभाग एक डिप्लोमा जारी करेगा। प्रदेश में कृषि विभाग ने पुराने खाद बेचने वाले लाइसेंस धारकों को राहत दी है, लेकिन नए लाइसेंस लेने वालों को डिप्लोमा करना अनिवार्य है। इसके बाद कृषि विभाग लाइसेंस जारी करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार से खाद बेचने के लाइसेंस बनाने के लिए नई गाइडलाइन आई है। अब बीएससी पास को डिप्लोमा करने के बाद ही खाद बेचने का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनल।